नमस्ते डियर स्टूडेंट, बिंद बायोलॉजी क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक एनिमेलिया किंगडम्स का एक फाइलम है और एनिमेलिया किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। वैसे तो एनिमेलिया किंगडम में बहुत से फाइलम्स हैं, लेकिन आज हम लोग जिस फाइलम के बारे में बात करने वाले हैं उस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एनिमेलिया किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है और हम लोग जो बात करेंगे यानी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ेंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगर बात करें एनिमेलिया किंगडम की, किसकी बात करें, एनिमेलिया किंगडम में फाइलम, किसकी बात करें भैया, एनिमेलिया किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा की। तो जो टर्म आर्थ्रोपोडा है ये दो वर्ड से मिलके बना है। कितने वर्ड से मिलके बना है? दो वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड है आर्थ्रो, क्या है एक वर्ड, एक वर्ड है आर्थ्रो, दूसरा वर्ड है पोडा, ठीक। आर्थ्रो का मतलब होता, आर्थ्रो मींस जॉइंट, जैसे हम लोग बहुत बार सुनते हैं आर्थ्रो के डॉक्टर, आर्थ्रो मींस होता है जॉइंट, और पोडा मींस होता है अपेंडेजेस, क्या होता है अपेंडेजेस, अपेंडेजेस को बोलते हैं लेग्स, क्या बोलते हैं लेग्स, मतलब इनमें जो पैर पाए जाएंगे जॉइंट में पाए जाएंगे, जहाँ भी होंगे पेयर्ड में पैर होंगे। और ये भी जानते हैं हम लोग कि जो फाइलम कौन सा आर्थ्रोपोडा है ये लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा इज आर्थ्रोपोडा इज लार्जेस्ट, क्या लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आर्थ्रोपोडा जो है एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, और सबसे बड़ा फाइलम इस वजह से है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीसीज जो है आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करती हैं। देखें कितना, ओवर टू थर्ड, कितना 67%, टू थर्ड स्पीसीज ऑन अर्थ, स्पीसीज ऑन अर्थ बिलोंग फ्रॉम आर्थ्रोपोडा। कहाँ से बिलोंग करती भैया, आर्थ्रोपोडा से। लगभग कितना, 67% जो स्पीसीज होती है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, आर्थ्रोपोडा से। जितने भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, जो भी जीव होते हैं, इनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, कितनी पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड होती है, और बाहर से एक एग्जो स्केल्टन से कवर्ड रहती है। और ये जो एग्जो स्केल्टन होता है ये काइटिन का बना होता है, किसका बना होता है, काइटिन का। बॉडी की बात की जाए, किसके बॉडी की, आर्थ्रोपोडा के बॉडी की अगर बात करें तो इसकी बॉडी जो होती है कवर्ड विथ हार्ड काइटिनस एग्जोस्केलेटन, इससे कवर्ड होती है, काइटिनस एग्जोस्केलेटन से कवर्ड होती है। और बात करें वहीं डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तीन पार्ट में डिवाइड होती है, जिसका जो पहला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं थोरैक्स बोलते हैं, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमेन, क्या बोलते हैं भैया, एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो इधर देखेंगे क्या होगा, पहला पार्ट क्या होगा भैया, हेड, उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, थोरैक्स, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है ये होता है एब्डोमेन, क्या होता है, एब्डोमेन, ठीक है। तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में, कौन कौन सा, एक तो हो जाता है हेड, दूसरा हो जाता है थोरैक्स, और लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाता है, एब्डोमेन, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम्स है इसके हम लोग अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो कई सारे कैरेक्टर्स हैं इसके, देखेंगे।
ठीक। चलिए किसकी बात करते हैं, जनरल कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा, जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए। अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैबिटाट की। किसकी बात करते हैं कि जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, जो जीव हैं, ये भैया पाए कहाँ जाते हैं, ज़मीन पे पाए जाते हैं कि आसमान में पाए जाते हैं कि पानी में पाए जाते हैं। तो इनके जो हैबिटाट्स हैं, ये आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर तो एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वाटिक मतलब पानी में पाए जाते हैं, और कुछ कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़मीन पे पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। तो मतलब दो तरीके के हो गए, कुछ ज़मीन पे पाए जाते हैं, कुछ पानी में पाए जाते हैं। वहीं पे बात करें, कुछ भैया फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब हुआ कि आप आराम से रहते हैं, किसी से देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, मस्त खाते पीते पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, और ये पैरासिटिक वाले बहुत ख़तरनाक होते हैं। ख़तरनाक कहने का मतलब ये हुआ कि अपना तो खाएंगे लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं, बीमारी कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के हैबिटाट हो गए, कुछ पानी में पाए जाते हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, कुछ कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़मीन में पाए जाते हैं। कुछ फ्री लिविंग होते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होती अदर ऑर्गेनिज्म को। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, बीमारी कॉज कर देते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं लेकिन अगले जीव को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि मतलब इनका जो शरीर है इसमें आर्गन पाए जाते हैं, कि आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि टिश्यू का कि सेल एग्रीगेट। तो इनका जो मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है आर्गन सिस्टम। कौन सा, आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें आर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, तो इसमें सिस्टम्स डेवलप्ड होते हैं, तो आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वहीं बात करें इनके बॉडी की सिमेट्री की, किसकी बात करें, सिमेट्री की। अगर बात की जाए सिमेट्री की, तो इनकी बॉडी में बाईलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी सिमेट्री, बाईलैटरल सिमेट्री। कौन सिमेट्री भैया, बाईलैटरल सिमेट्री है, बाईलैटरल सिमेट्री। वहीं पे अगर बात करें, क्या बात करें कि इनका बॉडी प्लान कैसा है, क्या भैया बॉडी प्लान कैसा है, तो बॉडी प्लान की अगर बात की जाए तो इनका जो बॉडी प्लान है ट्यूब विद इन ट्यूब। कौन सा है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। कैसा बॉडी प्लान भैया, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए किसकी, बात करें जर्म लेयर की, किसकी बात करें भैया, जर्म लेयर की। तो इनमें तीन जर्म लेयर होती हैं, कितनी जर्म लेयर होती हैं, तीन जर्म। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म और कौन सा, एंडोडर्म। तो इनकी पूरा शरीर या पूरी बॉडी जो होती है तीन जर्म लेयर से मिल करके बनी होती है, तो इस वजह से इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या कहा जाएगा भैया, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, क्या हो गया, हैबिटाट कैसा है, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल, कुछ फ्री लिविंग है, कुछ पैरासिटिक होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री की बात करें तो बाईलैटरल सिमेट्री है। बॉडी प्लान की बात करें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। जर्म लेयर की बात करें तो तीन जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, कुछ जनरल कैरेक्टर्स और भी हैं। चलो चलिए अब बात करें सीलोम की, इसकी बात कर लेते हैं सीलोम की। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है सीलोम, सीलोम बोले तो बॉडी कैविटी, तो इसमें बॉडी कैविटी पाई जाती है, बॉडी कैविटी भैया पाई जाती है।
बॉडी कैविटी अगर पाई जाती है तो इसको बोलते हैं यूसीलोमेट। कौन सी है? यूसीलोमेट। क्या कहा जाता है भैया इनको? यूसीलोमेट कहा जाता है। वहीं पे अगर बात करें सिगमेंटेशन की, किसकी बात करें भैया? इनके बॉडी में सिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। तो इनके बॉडी में सिगमेंट पाया जाता है। क्या होता है? सिगमेंटेड बॉडी होती है, तो मतलब सिगमेंट प्रेजेंट। सिगमेंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एक और कैरेक्टर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं नोटोकार्ड। क्या बोलते हैं? नोटोकार्ड। नोटोकार्ड की बात करें तो इनके बॉडी में नोटोकार्ड क्या होता है? अब्सेंट होता है, ये नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। चलिए, तो जनरल कैरेक्टर में क्या हो गया? हैबिटेट कैसा है? एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल। सिमेट्री कैसी भैया? बाइलेटरल सिमेट्री है। बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। जर्म लेयर 3 है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। बॉडी कैविटी पाई जाती है, क्या पाई जाती है? बॉडी कैविटी। इस वजह से इनको बोलते हैं क्या? यूसीलोमेट। ठीक है, मेटामरिज सिगमेंट प्रेजेंट होता है, नोटोकार्ड एब्सेंट होता है। ठीक है, ये तो जनरल कैरेक्टर हो गए किसके? किसके? आर्थ्रोपोडा फाइलम के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। किसकी बात की जाए? फिजियोलॉजी की। अगर फिजियोलॉजी की बात करें ठीक है, चलिए फिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। किसकी बात करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम, ठीक है। और अगर डाइजेशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? डाइजेशन की बात की जाए तो भैया डाइजेशन दो तरीके का होता है। एक तो होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो आर्थ्रोपोडा में कौन सा डाइजेशन पाया जाएगा? तो आर्थ्रोपोडा में अगर डाइजेशन की बात करें तो इसमें होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। कौन सा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब हुआ कि जो डाइजेशन होता है एक ट्यूब में होता है, और ये ट्यूब जो होती है इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर बात की जाए, रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब जिससे हम लोग सांस वगैरह लेते हैं, तो कीड़े मकोड़े भी तो सांस लेते होंगे, तो इसमें कई सारे टाइप्स के रिस्पायरेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसमें? गिल्स पाया जाता है। कुछ जीव पानी में रहते हैं, गिल्स। कुछ में बुक गिल्स। बुक गिल्स का मतलब हुआ कि इसमें फ्लैप लाइक गिल्स पाई जाती है, बुक गिल्स बोलते हैं। कुछ में लंग्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं भैया? लंग्स पाए जाते हैं। और कुछ में बुक लंग्स, क्या पाए जाते हैं? फ्लैप, यानी फ्लैट बुक लंग्स, फ्लैट लंग्स होते हैं जिसको बोलते हैं क्या? बुक लंग्स बोलते हैं। और कुछ में पाया जाता है ट्रैकियल सिस्टम, क्या पाया जाता है? ट्रैकियल सिस्टम, मतलब इसमें ट्रैकिया का भी डेवलपमेंट यहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो कितने टाइप के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हो गए? कैसे? गिल्स हो गए, बुक गिल्स हो गए, लंग्स हो गए, बुक लंग्स हो गए, और ट्रैकियल सिस्टम हो गए। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की। कि भाई इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन कैसा? अगर हम लोग बात करें इसके बाद, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। कैसा? ब्लड सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, क्लोज टाइप का होता है जिसमें ब्लड ब्लड वेसल्स में बहता है, और एक ओपन टाइप का होता है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं और ब्लड खाली स्पेस में बहता है, जिसको साइनसिस कहते हैं। और ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आर्थ्रोपोडा में कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। दूसरी बात करें ब्लड की, तो इनका जो ब्लड होता है
वो कलरलेस होता है। कैसा होता है? ब्लड कलरलेस होता है, इसमें कलर ही नहीं पाया। हम लोग का ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का। और इसका ब्लड कैसा होता है? कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कॉल्ड हीमोलिम्फ। क्या कहते हैं भैया? हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। अगला जो सिस्टम है उसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम वो सिस्टम्स होता है जो मेटाबॉलिक वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकालता है इन फॉर्म ऑफ सॉलिड और इन फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसेस। ठीक है, इसमें जो एक्सक्रेटरी सिस्टम्स होता है वो होता है मालपीजियन। क्या होता है? मालपीजियन ट्यूबुल्स। क्या होता है भैया? मालपीजियन ट्यूबुल्स। या एक और होता है जिसको बोलते हैं क्या? ग्रीन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्लैंड। ये दोनों जो मालपीजियन ट्यूबुल्स और ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं इनका काम क्या क्या होता है? एक्सक्रीशन। क्या काम होता है? एक्सक्रीशन एंड आसमो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड आसमो रेगुलेशन। आसमो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी में वाटर बैलेंस को बनाए रखना। ठीक है, तो क्या क्या होता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन और आसमो रेगुलेशन के वर्क परफॉर्म किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? मालपीजियन ट्यूबुल्स के द्वारा और ग्रीन ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, चलिए अब नर्वस सिस्टम की बात की जाए। किसकी बात की जाए? इसके बाद आता है नर्वस सिस्टम, पहले इसको मिटा लिया जाए। पहले इसको क्या किया जाए? मिटा लिया जाए। तो नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम अगला जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो इनका वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता तो नर्वस सिस्टम में पाया क्या जाता है? इनमें नर्व कार्ड पाया जाता है और दो होता है। कितना होता है? दो होता है, अभी सामने एक साइड में वेंट्रल साइड में डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड होता है। कितना होता है? डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड। ठीक है, हम लोगों में भी नर्व कार्ड पाया जाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में, बाद में वही नर्व कार्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्पाइनल कार्ड में। लेकिन इसमें स्पाइनल कार्ड नहीं डेवलप्ड होता, नर्व कार्ड पाया जाता हम लोगों में। जो नर्व कार्ड होता है डार्सल साइड, मतलब पीछे की साइड में होता है, और इनमें जो नर्व कार्ड होता है कहाँ पे होता है? आगे की साइड में, वेंट्रल साइड में। हम लोगों में नर्व कार्ड सिंगल होता है, हालो होता है, और इसमें डबल होता है और सॉलिड होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके जेंडर की, सेक्सेस की बात की जाए। तो ज़्यादातर जो जीव होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मोस्टली कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल। कैसे होते भैया? ज़्यादातर जो जीव होते हैं कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, मतलब मेल्स अलग होंगे और फीमेल अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करें रिप्रोडक्शन की। किसकी बात की जाए? रिप्रोडक्शन की। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन तो वैसे दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल दूसरा होता है एसेक्सुअल। इनमें कौन सा पाया जाता है? तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कौन सा? सेक्सुअल। तो इनमें रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर बात की जाए फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है इंटरनल बॉडी के अंदर, एक होता है एक्सटर्नल बॉडी के बाहर। तो भैया आर्थ्रोपोडा में कौन सा पाया जाएगा? इंटरनल की एक्सटर्नल। तो आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा? इंटरनल। अब बात कर लें इनके डेवलपमेंट की। किसकी बात की जाए? डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट भी दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अगर होगा तो लार्वा स्टेज नहीं पाई जाएगी, इनडायरेक्ट होता है तो लार्वा स्टेज पाई जाती है। यहाँ पे कैसा डेवलपमेंट होगा, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? तो इसमें दोनों टाइप का होता है, बोथ। कौन सा? बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की अगर बात करें तो लार्वा
पाया जाएगा? नहीं। और इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें लार्वा पाया जाएगा। कुछ मेंबर में क्या होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और कुछ में इनडायरेक्ट होता है। जिसमें डायरेक्ट होगा उसमें लार्वा की स्टेज नहीं पाई जाएगी और जिसमें इनडायरेक्ट होगा उसमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेंस ऑर्गन की। इसकी बात कीजिए भैया, सेंस ऑर्गन की, सेंसरी ऑर्गन। तो इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं तीन। एक होता है आई, और इसमें जो आई होती है, आई भी दो तरीके की होती है, एक सिंपल आई होती है, दूसरा कंपाउंड आई। तो इसमें दोनों टाइप की, कुछ जीव में सिंपल आई पाई जाती है और कुछ में क्या होती है, कंपाउंड। कैसी? कंपाउंड आई। दोनों टाइप की आईज पाई जाती हैं, कुछ में सिंपल आईज होती है और कुछ में कंपाउंड आईज होती है। एक और ऑर्गन्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्टैटो, क्या बोलते हैं, स्टैटोसिस्ट। ये जो स्टैटोसिस्ट होता है ये इनका बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। कौन सा होता है? बॉडी को बैलेंस बना के रखता है। तो ये क्या, कौन सा भैया? बैलेंसिंग ऑर्गन है। क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन है, बॉडी को क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। एक और पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंटीना, क्या बोलते हैं, एंटीनी। जो एंटीनी होता है ये क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स होता है। किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए क्या करता है, एंटीना का यूज करता है। और ये क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स। ए भी है भैया, सेंस ऑर्गन्स या सेंसरी ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं, तीन होते हैं, एक आई होता, दूसरा स्टैटोसिस्ट होता, तीसरा एंटीनी होता। आई में दो टाइप की आईज होती हैं, एक सिंपल आई, दूसरी कंपाउंड आई। कुछ मेंबर में सिंपल आईज पाई जाती हैं, कुछ में कंपाउंड। जैसे काकरोच है उसमें कौन सी आईज पाई जाती है, कंपाउंड आईज पाई जाती है। ठीक है, स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन से, जैसे हमारी बॉडी में बैलेंसिंग ऑर्गन क्या होता है, स्ट्रिजियन ट्यूब। कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है, ईयर इज द बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, वहीं एंटीनी क्या करता है, सेंस ऑर्गन्स होता है, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स की बात करें, किसके, आर्थ्रोपोडा के। अगर आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए भैया, एग्जाम्पल्स की बात की जाए, तो इसमें तो ऐसे कीड़े मकोड़े आते हैं ज़्यादातर। लेकिन कीड़े मकोड़े में तीन कैटेगरी बनाई, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं, कुछ और ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो मतलब कुछ फ़ायदेमंद, कुछ नुकसानदायक, ऐसे कैटेगराइज करेंगे। तो पहली जो कैटेगरी है वो लिखा है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट टेंट इंसेक्ट। मतलब क्या हुआ कि वह इंसेक्ट इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, वह कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिसका यूज इकोनॉमिकली किया जाता है। यानी जैसे बात करें हनी बी की, किसकी बात करें, हनी बी। हनी बी बोले तो मधुमक्खी, क्या यूज करते हैं, इससे हनी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, हनी। हनी बोले तो शहद, शहद निकाला जाता है। दूसरा एक होता है लेसीफर, क्या होता है, लेसीफर। इससे क्या निकाला जाता है, लाख निकाला जाता है। लाख मोम जैसा सबस्टेंस होता है जिसको मार्केट में मतलब जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, जिससे लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, और एक होता है बॉम्बिक्स, क्या होता है, बॉम्बिक्स। ये कि इसको बोलते हैं सिल्क वर्म, क्या बोलते हैं, सिल्क वर्म। ये क्या करता है, सिल्क बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, किसका, बॉम्बिक्स। पूरा नाम होता है बॉम्बिक्स मुराई। तो मतलब ये तीनों, हनी बी हो गया, लेसीफर हो गया, बॉम्बिक्स हो गया, ये तीनों इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट आते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो वेक्टर्स का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब कहने का ये हुआ कि ये बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। और इसमें तीन आते हैं और तीनों मॉस्किटोज हैं। एक तो होता है एनाफिलीज, क्या होता है, एनाफिलीज मॉस्किटो। कौन सा भैया, एनाफिलीज मॉस्किटो। ये क्या करता है, ये भैया एनाफिलीज मॉस्किटोज की बात करें तो ये मलेरिया फैलाता है। क्या करता है, मलेरिया फैलाता है। मलेरिया मच्छर से नहीं होती है, मलेरिया जो होती है प्लाज्मोडियम से होती है। मलेरिया को केवल मच्छर फैलाता है। ठीक है, चलो दूसरी बात करें, एक और होता है जिसको बोलते हैं एडीज मॉस्किटो, क्या बोलते हैं, एडीज मॉस्किटो।
ये जो एडीज मॉस्क्वीटो है ये तो और ख़तरनाक बीमारी फैलाता है जिसका नाम है डेंगू। क्या नाम है? डेंगू। अब ये जो डेंगू होता है ये भी वायरस से होता है। एक और बीमारी है जिसका नाम है चिकनगुनिया। क्या नाम है? चिकनगुनिया नामक बीमारी कौन फैलाता है? एडीज। एडीज मॉस्क्वीटो डेंगू भी फैलाता है, चिकनगुनिया नामक बीमारी फैलाता है। एक मच्छर और होता है जिसका नाम होता है क्यूलेक्स। क्या नाम होता है? क्यूलेक्स। और ये जो क्यूलेक्स नामक मॉस्क्वीटोज है ये एक बीमारी फैलाता है जिसको बोलते हैं क्या? फाइलेरिया। क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। फाइलेरिया जो बीमारी होती है ये मच्छर के द्वारा फैलती है, लेकिन जिसके द्वारा होती है उसका नाम है उसेरेरिया बैंक्रॉप्टाई। एक क्या है? एसके हेलमेंथीज है जिसके द्वारा ये होती है। इसको एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस भी कहा जाता है, फाइलेरिया। ठीक है, चलिए। अब दो कैटेगरी तो हम लोगों ने पढ़ लिया, एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हो गए, दूसरे वेक्टर्स जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं। एक और कैटेगरी है किसकी? इंसेक्ट की। उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस पेस्ट। क्या बोलते हैं भैया? ग्रेगेरियस। तीसरी जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं ग्रेगेरियस पेस्ट। ये जो ग्रेगेरियस पेस्ट होता है तीसरी कैटेगरी भैया, इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या करते हैं? ग्रुप में अटैक करते हैं। किस में अटैक करते हैं? अटैक इन ग्रुप्स। और जब ये ग्रुप्स में अटैक करते हैं तो जहाँ पर अटैक करते हैं वहाँ पे बहुत नुकसान फैलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो लोकुस्टा। क्या है? लोकुस्टा। लोकुस्टा बोलो टिड्डी। टिड्डी हमेशा ग्रुप में अटैक करती है, पूरे फसलों को ख़राब कर देती है। और इसी में एक आता है लिमुलस। क्या आता है? लिमुलस, जिसका बोलते हैं हम लोग किंग क्रैब। क्या बोलते हैं? किंग क्रैब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किंग क्रैब्स बोला जाता है। ये भी ग्रेगेरियस में आता है, ठीक है। और ये किंग क्रैब जो होता है या लिमुलस है, ये लिविंग फॉसिल्स भी है। क्या है? लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही दिनों से है और ये इसमें कोई आज तक परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो ये हो गया क्या? पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आर्थ्रोपोडा फाइलम। थैंक यू बच्चों।